हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक और आज की वीडियो है बहुत ज़्यादा खास आप लोगों के लिए, क्योंकि गाइस आज की वीडियो में बताने वाला हूँ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द जेलेट 2020 काउंसलिंग और साथ में मैं आप लोगों को ऑफर दूंगा टू बिकम एन ऑथर इन माय वेबसाइट। अब चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग में कि क्या चीज़ें होने वाली। आई नो गाइज आप लोग काफ़ी बोरिंग फील करोगे, बट एक्चुअली मैं गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो वेबसाइट है ये मैंने खुद ही क्रिएट किया है, मतलब इसका डेवलपर भी सिर्फ मैं ही हूँ क्योंकि तो मेरे पास टीम नहीं है। तो गाइज मैंने इसको डेवलप किया है, आप इसको प्लीज़ ओवरव्यू कीजिएगा और इसके बाद जैसे कि अबाउट सेक्शन पे जाइएगा, लोगों पे क्लिक कीजिएगा, आर्टिकल्स पे जाइएगा, शेयर पोस्ट पे, और मुझे बताइएगा कि देर इज़ एनी फीडबैक, अगर यहाँ पर कुछ इंप्रूवमेंट ज़रूरत है यहाँ पर इंप्रूवमेंट। अब गाइज यहाँ पर 4 दिनों से मैंने सोया नहीं है और इस वीडियो को डेवलप किया है, अब मैंने इस वेबसाइट को डेवलप किया है, तो गाइज आप लोग देख सकते हो। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द जेलेट 2020 काउंसलिंग अदर स्टेट्स बीएससी कैंडिडेट्स एंड डिप्लोमा होल्डर्स। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, इफ़ यू बिलोंग टू अदर स्टेट, ये सारी डिटेल्स मैंने दे रखी हैं, यहाँ पर आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हो, यहाँ पर नोटिस वाले साइट पे जा सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर जेलेट 2020 काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आप लोग को लगेगा, अपने काउंसलिंग भरने के बाद जो आपको फॉर्म मिलेगा वो आपको लगेगा, और यहाँ पर साथ में आप लोग को लगेगा 2 पीस फोटोकॉपी। अब ये आपको जो फोटोकॉपी है गाइस, ये रीसेंट फोटोग्राफ्स है, ये आप लोग फोटो मैंने रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो कलर फोटोग्राफ्स है, साथ में आपको इसको PDF बना लेना चाहिए। उसके बाद PWD अगर आपके पास, आपको आप एक PWD कैंडिडेट हो तो लगेगा। स्टूडेंट की बात करें तो गाइज स्टूडेंट्स ऑफ वेस्ट बंगाल की, तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2 कॉपीज ऑफ रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स, यहाँ पर आपके पास कास्ट का डिग्री, मतलब आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हो तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पर एक चीज़ देखें कि मैंने कास्ट को अदर स्टेट में नहीं रखा है, क्योंकि अदर स्टेट कैंडिडेट्स को चांसेस नहीं है कि अगर वो कास्ट से हैं तो उनको कुछ स्पेशल मिलेगा, बाहर वाले कैंडिडेट्स को नहीं मिलता। इसके बाद बात कर लेते हैं गाइज यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपोनेंट कंपार्टमेंट अथॉरिटी। अब आपको जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो आपको चाहिए। अब ये कैसे बनता है गाइस, तो आपको तो बताइए, ये इफ एप्लीकेबल मैंने गलती से लिख दिया है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं गाइस PWD सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल, अगर आपके पास PWD मैंने आप PWD कैंडिडेट हो तो आपको वो भी लगेगा। अब बात कर लेते हैं गाइस डिप्लोमा होल्डर्स के बारे में, तो डिप्लोमा होल्डर्स आप लोग ध्यान से देखें, पहली वो सारी चीज़ें सेम ही है आप लोग के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आप लोग को लगेगा सेमिस्टर वाइज, देख रहे हैं ना, सेमिस्टर वाइज हर एक सेमिस्टर का, और आप लोग को ईयर वाइज मार्कशीट्स आपको लोग को लगेगा, ठीक है। तो वो जो आर वो अगर बिलोंग करते हैं डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक। यहाँ पर आप बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक और चीज़ है मार्कशीट ऑफ HS और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन इनटू जादवपुर यूनिवर्सिटी, तो ये काफ़ी ध्यान रखें, अगर आपने HS और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन लिया है तो उसके भी सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। और यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ओरिजिनल एडमिट कार्ड, डाउनलोडेड एडमिट कार्ड, तो ये जो चीज़ थी अब तो रही नहीं, तब यहाँ से बात कर लेते हैं सर्टिफिकेट फॉर द 10th एंड इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन और बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंपोनेंट अथॉरिटी फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ एज। अब ये गाइज यहाँ पर काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं, तो मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ कि 10वीं का सर्टिफिकेट तो आपको लगेगा, अदरवाइज कुछ कॉलेजेस में आप लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट फॉर द कंपोनेंट अथॉरिटी से काम बन जाता है। यहाँ पर हम लोग एक बात कर लेते हैं यहाँ पर फार्मेसी डिप्लोमा कैंडिडेट्स के बारे में, तो वो सारी चीज़ें सेम है उनके लिए भी, और बस यहाँ पर आप लोग को फार्मेसी का डिप्लोमा का सारी चीज़ें दिखानी पड़ेगी। यहाँ पर बात कर लेते हैं BSc डिग्री होल्डर्स के बारे में, तो देखिए BSc डिग्री के जो होल्डर्स हैं उनको लगेगा क्या, ओरिजिनल मार्कशीट फॉर द BSc एग्जामिनेशन अलॉन्ग विथ फोटोकॉपी एंड ओरिजिनल मार्कशीट फॉर HS और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। और यहाँ पर बात कर लेते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एडमिट कार्ड, मतलब डाउनलोडेड एडमिट कार्ड, वो सारी चीज़ आपको नॉर्मल बताया था मैंने। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग को, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोग को 12th का एडमिट मैंने 12, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ द 12th का दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर 10वीं से काम नहीं चलता, तो यहाँ पर आप लोग का 10th से काम नहीं चलेगा, आप लोग को 12th का मार्कशीट दिखाना ही पड़ेगा, तो 12th इज इम्पॉर्टेंट हियर। अब गाइज आप लोगों को जो ऑफर मुझे देना था वो मैं आपको बता देता हूँ। सो यहाँ पर गाइज मैं आप लोग को रेफर करना चाहूँगा अनअकैडमी को, आपको आजकल तो इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं कि वॉट इज अनअकैडमी, बट गाइज अनअकैडमी इज वन ऑफ द प्रीमियम एंड बहुत ही फेमस गाइज यहाँ पर एडुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप पढ़ाई कर सकते हो। और यहाँ पर गाइज आप लोगों को KCET मतलब कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए, PCM, PCMB एंड PCB के लिए गाइज यहाँ पर आप लोग 1 सितंबर से इनरोल कर सकते हो। और देर आर टोटल लॉट ऑफ सब्सक्रिप्शन अवेलेबल, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा, जैसे कि कौन कौन से टीचर्स यहाँ पर दे रखे हैं उन्होंने, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसका गेट सब्सक्रिप्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पर PCB मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यहाँ पर है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, और यहाँ पर है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शंस को अगर हम क्लिक करके देखें तो गाइस यहाँ पर सब्सक्रिप्शन मनी है 13,000 समथिंग, बट यहाँ पर आप लोग जो हो ट्रिक
तो यहाँ पर गाइज आप लोग रेफर कोड यूज़ कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर हो गया एक सेफ 10 रेफर कोड, इसको यूज़ करके गाइज आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा ऑसम का 10% का डिस्काउंट। एंड एक्चुअली गाइज ये बहुत ही अच्छी कोर्सेज हैं, और टीचर्स की बात करें तो गाइज यहाँ पर काफ़ी प्रीमियम टीचर्स पढ़ाते हैं, तो आप लोग ज़रूर जाके चेकआउट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लिंक आपको मिल जाएंगे, चाहे वो अनअकैडमी को इंस्टॉल करने का मोबाइल फ़ोन से वो भी मिल जाएगा, तो प्लीज़ जाकर चेकआउट कीजिए। तो यहाँ पर गाइज आप लोगों को आ जाना है शेयर पोस्ट में, और यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है पोस्ट टाइटल, जो भी आप टाइटल देना चाहो। यहाँ पर कोई मेंशन आउट नहीं है कि आपको किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में बनाना है। उसके बाद मैं आप लोगों को कहूँगा कि यहाँ पर आप कंटेंट लिख सकते हो। इसके बाद एक इमेज आप चूज़ करो। अब यहाँ पर कैटेगरी आपको चूज़ करना है, ये अनकैटेगराइज है, आपको अनकैटेगराइज में देना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही कैटेगरी मैंने ऐसी बना रखी है। उसके बाद ऑथर नेम आपको अपना देना है, प्लीज़ अपना दीजिएगा। और अगर आपके पास टैग्स हैं कुछ, आपको पता होता है कि अगर टैग्स नहीं पता तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैंडेटरी नहीं रखा है। सोशल अकाउंट अपना दे सकते हो अगर आपको चाहिए तो, बहुत लोग अपना प्राइवेसी रखेंगे, कोई इशू नहीं है। आप लोग को एक ऑथर का मेल देना है, क्योंकि उसे मैं प्रिंट करूँगा, और मैं गाइज आप लोगों को ही उसके क्रेडिट दूंगा। जैसे कि यहाँ पर आप मेरे देख सकते हो कि मेन वेबसाइट पर जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्रेडिट जो मिलता है यहाँ पर, जैसे कि आप लोग का admin@trickstarvivek.com, तो ये आपका जीमेल आएगा और आपका नाम भी प्रिंट होगा आपके पोस्ट के साथ। सो मैं गाइज आप ही को क्रेडिट दूंगा। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या है कि अभी तो इसमें कोई एडवर्टाइजमेंट लगी नहीं है, पर इसकी जब एडवर्टाइजमेंट लग जाएगी तो साथ में आप लोग समझ ही सकते हो, तो ये सारी बातें हम लोग कर लेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है एक न्यू वेबसाइट्स के साथ जुड़ने का। तो अगर आपको इच्छा है तो प्लीज़ शेयर पोस्ट पर आइए और अपना शेयर कीजिए, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन अच्छे से लिख पाता है। अब गाइज प्लीज़ यहाँ पर प्लेगरिज्म का यूज़ मत कीजिएगा। अभी जिसको पता नहीं प्लेगरिज्म क्या होता है, मतलब कि यू डू मैंने आप कौन से कॉपी मत कीजिएगा। अब जैसे कि आपको जो भी टाइटल लिखोगे उसे मैं सर्च करूँगा, और अगर आप पकड़ा जाते हो तो एक्चुअली में गाइज मैं उसे प्रमोट नहीं करूँगा। सो कम लिखो, अच्छा से लिखो, ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट टू सी फ्यू पीपल, आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ कम्युनिटी इन द यूट्यूब। सो एक्चुअली गाइज ये काफ़ी मेहनत करके बनाई है। अब आप प्लीज़ इसे रिव्यू भी कीजिएगा साथ में कि इसे कैसा और अच्छे से बनाया जा सकता है। और अबाउट सेक्शन जो है उसे मैं इम्प्रूव कर दूंगा, एंड हु एम आई से कर दूंगा हु वी आर। सो दैट्स नॉट एन इशू गाइज। सो जब तक हम लोग मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, आई एम एक्चुअली वेरी टायर्ड गाइज, सो एंड आई एम वेरी सॉरी कि कम्युनिटी में वीडियो पे अच्छे अच्छे वीडियोज़ नहीं ला पा रहा हूँ। सून अच्छे वीडियोज़ भी आने चालू हो जाएंगे।